नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री आज अपने विचार विमर्श में जुलाई में समूह के शिखर सम्मेलन के विचार के लिए 15 निर्णय या प्रस्तावों को एक सेट के अंतिम रूप देंगे। आपको बताएं कि प्रस्तावों का उद्देश्य व्यापार, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के अंदर क्षेत्रों में SCO सदस्य देशों के बीच सहयोग का विस्तार करना होता है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पणजी में विदेश मंत्रियों की SCO परिषद की बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावर भुट्टो जरदारी का स्वागत किया है। महाराष्ट्र के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के वैज्ञानिकों को पुणे के अंदर गिरफ्तार किया गया है और उन पर पाकिस्तानी एजेंट के साथ जानकारी पहुंचाने का आरोप लगाया गया। आतंकवाद निरोधक के दस्ते ATS ने यह बताया है कि DRDO के एक वैज्ञानिक को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और वैज्ञानिक के पुणे में DRDO के ब्रांच के अंदर काम किया करता था और जांच में व्हाट्सएप संदेशों और वॉइस कॉल के साथ वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के गुर्गों के साथ संपर्क में रहा करता था। उधर खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के देहरादून के अंदर GRD निरंजनपुर एकेडमी पर PM नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने स्कूल नहीं पहुंचे छात्रों से ₹100 फाइन वसूलने का आरोप लगा है और इस संबंध में नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर जवाब भी मांगा है और आरिफ खान ने यह बताया है कि GRD एकेडमी ने उन बच्चों को ₹100 फाइन लगाए हैं या फिर मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करने के आदेश दिए गए जो बीते रविवार को मन की बात कार्यक्रम के लिए स्कूल नहीं पहुंचे थे। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के ऊपरी इलाके के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है और दोनों की ओर से गोलीबारी लगातार जारी है। एक अधिकारी ने बताया है कि पुलिस, सेना और CRPF की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी पर तलाशी अभियान भी चलाया है और इस दौरान जैसे ही संयुक्त टीमें संदिग्ध स्थानों पर पहुंची हैं, छिपे हुए आतंकवादियों ने उनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक इलाके के अंदर 2 से 3 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका बनी है। खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड के बोकारो के अंदर पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें एक पर महिला शामिल बताई जा रही। पुलिस ने आरोपियों के पास से 60 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद कर ली है और उसकी कीमत 1,00,000 रुपए तक आकी गई है। जानकारी के मुताबिक सभी तस्कर ड्रग्स का कारोबार किया करते थे और वहीं पुलिस अब इन सभी आरोपियों पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जो है वो नशीली पदार्थ का तस्करी करके यहाँ बोकारो में इसका बिक्री करने के लिए आए। उसके आलोक में वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार अंचलाधिकारी 4, थाना प्रभारी 4 एवं अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा एक छापामारी टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और करीब 60 ग्राम जो है ब्राउन शुगर बरामद किया गया। कहाँ से बरामद? हाँ, ये बरामदगी जो है हम लोगों का 4 थाना क्षेत्र में दरगाह पुल के समीप। झारखंड के बोकारो जिले में पिंद्राजोरा थाना क्षेत्र के अंदर एक महिला की मौत हो चुकी है और मौत के बाद महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के ऊपर दहेज प्रताड़ना के चलते उसकी हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले में महिला के पति और उसके पिता को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है और पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही परिजनों की तरफ से हत्या के लेकर FIR दर्ज होने के बाद पुलिस आगे की जाँच पड़ताल कर रही है। ये कल की घटना है, ठीक है। कल शाम में हम लोग को करीबन 5 बजे रिपोर्ट मिला कि फांसी लगा करके डेथ कर गई है। हम लोग 7 बजे जब पहुँचे वहाँ पे, पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग पूछें उसको, हम लोग पूछें कि आप फांसी के फंदा से आप उतारे हैं या उसका रस्सी आप बरामद किए हैं। पुलिस वाले ने साफ किया कि नहीं, हम लोग उतारे नहीं हैं और फांसी वो नहीं लगाई है, ठीक है। ये और पुलिस भी ये भी बताएं कि नहीं, ये मारा हुआ है पिंडराजोरा थाना। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस विषय में जो भी हुआ है माने कानूनी तौर से उचित निर्णय लिया जाए और उन पर कड़ी सजाए दिया जाए। 4 बजे के लगभग कल शाम में सूचना मिला कि चितामी के एक टोला है, भंडारी टोला में एक महिला फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। घटनास्थल पर पहुंचने पर देखे कि मीरा कुमारी नाम की महिला, पति का नाम है विकास कुमार महतो, बेड पर लेटी हुई है। घर पर सब लोग उस समय फरार थे। एक
उस महिला की सास जो थी घर पर मौजूद थी। पूछताछ करने पर महिला के द्वारा कोई खास वैसा कुछ बताया नहीं गया। ये पूछने पर बताया गया कि साड़ी से फांसी लगाने का ये लगा करके आत्महत्या की है। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति अब रंग लाने लगी है और इसी के चलते 15 लाख के इनामी माओवादी रीजनल कमांडर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। इस अभियान में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इस दौरान आईजी एबी होमकर सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने उनका मुख्य धारा में लौटने पर स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक इस आरोपी पर 147 से अधिक मामले दर्ज हैं और इसी के चलते उस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। प्रथम मैं आत्मसमर्पण के कार्यक्रम में झारखंड पुलिस और झारखंड सेक्टर CRPF की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पुलिस अधीक्षक चतरा के द्वारा शुरुआत में बताया गया कि आज का दिन झारखंड पुलिस और CRPF के लिए बड़ी उपलब्धि का दिन है। खबर बिहार के कटिहार से है। कटिहार के जिला अधिकारी रवि प्रकाश प्राणपुर प्रखंड के औचक निरीक्षण पर निकले हैं और इस दौरान उन्होंने प्रखंड मुख्यालय के कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर की जांच की है और साथ ही प्रखंड के अंदर चल रही विकास योजनाओं की जानकारी लेते नजर आए और निरीक्षण के दौरान उन्होंने RTPS से संबंधित लंबित मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की है और साथ ही जाति जनगणना को लेकर BDO सौरभ कुमार को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसी बीच ग्रामीणों ने जिला अधिकारी के सामने अपनी अपनी कायते भी रखी हैं। तो आज जो रवि गणना चल रही है उसकी भी समीक्षा की गई थी सभी जितने भी परिवीक्षक हैं उनके साथ 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 में प्रखंड कार्यालय परिसर का सामुदायिक जो यहाँ पर अस्पताल है उसका भी निरीक्षण किया गया है। इसको जो भी किस तरह से बेहतर किया जा सके इसमें और आधारभूत सुविधाएं किस प्रकार यहाँ के नागरिकों को मिले करें उसी के लिए जितने भी हमारे ब्लॉक खबर बिहार के दरभंगा से है। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के अंदर पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए आरोपियों के पास से 40,000 रुपए कैश और 3 मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड बरामद हुए। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने यह बताया है कि उन्हें लंबे समय से ठगी की शिकायतें मिलती आ रही थी और इसी के बाद उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी कई राज्यों के अंदर ठगी की घटना को अंजाम दे चुका है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज़ के साथ।